महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच राज्य के डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए लिया है। भारत चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का आदेश दिया और उनकी जगह नए कैंडिडेट में अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को उनका कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया। फिलहाल मुंबई कमिश्नर विवेक फसलाकार को महाराष्ट्र डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अगले डीजीपी के चयन के लिए मुख्य सचिव जुट गए हैं। दरअसल मुख्य सचिव को महाराष्ट्र के डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए 5 नवंबर 2024 दोपहर 1 बजे तक का समय दिया गया है। सूत्रों के माने तो इस समय के अंदर 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल मुख्य सचिव को भेजना होगा। अधिकारियों को गैर पक्षपात होने की दी गई थी चेतावनी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले समीक्षा बैठकों और राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के दौरान अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी थी बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उनके आचरण में गैर पक्षपाती होने की भी चेतावनी दी थी। गैरतलब है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायतें मिली थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू है। इस बीच कांग्रेस ने आयोग में रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव शेड्यूल का ऐलान हुआ तब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस की इस मांग को खारिज कर दिया था। हालांकि अब इस चुनाव में इस शिकायत पर एक्शन लिया है। कांग्रेस ने आशंका व्यक्त की है कि रश्मि शुक्ला ने नेतृत्व में महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं।